Hello, my dear students. Welcome back to the lecture 2 of chapter 6, Towns, Traders and Craftsmen. In the last lecture, we studied about different types of towns, and the last town which we studied was founded towns. Founded towns kis tarah ke hua karta tha, ye humne last lecture mein padha. Aur ab hum padhne ja rahe hain traders, artisans and craftsmen. So there were many kinds of traders, both big and small. Small traders operated in limited products, while the richer ones traded in variety of goods. So, अलग अलग तरह के ट्रेडर्स हुआ करते थे, बिग स्मॉल. जो स्मॉल ट्रेडर्स हुआ करते थे वो लिमिटेड प्रोडक्ट्स में डील करते थे, वेरस जो बिग ट्रेडर्स हुआ करते थे या रिच ट्रेडर्स हुआ करते थे वो वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स में डील करते थे. कुछ ऐसे ट्रेडर्स भी हुआ करते थे जिनकी लार्ज फ्लीट्स ऑफ शिप हुआ करती थी, कई सारी शिप्स होती थी उनके पास, ताकि वो ओवरसीज भी ट्रेड कर सकें. कुछ ऐसे ट्रेडर्स हुआ करते थे जो टाउन टू टाउन मूव करते थे, लाइक द बंजारास. They moved with their families over long distances, transporting goods in caravans of ox-drawn carts. तो ox-drawn carts हुआ करते थे उनके पास, बंजारा जो traders हुआ करते थे उनके पास ox-drawn carts हुआ करते थे, जिनको कहा जाता था caravans, caravans और caravan. तो ये ox-drawn carts हुआ करते थे, कौन यूज करते थे? बंजारा. ये अपनी पूरी फैमिली के साथ मूव करते थे ओवर द लॉन्ग डिस्टेंसेस. लोकली ट्रेडर्स ट्रेडेड गुड्स इंक्लूडेड फूड प्रोडक्ट्स. तो लोकली ट्रेडेड प्रोडक्ट्स होते थे वो होते थे फूड प्रोडक्ट्स, रॉ मटेरियल्स लाइक कॉटन, इंडिगो, दैट नीडेड टू गो टू द मैन्युफैक्चरिंग सेंटर्स. क्योंकि इन चीज़ों को मैन्युफैक्चरिंग सेंटर्स पहुँचाना होता था, दैट इज वाई जो लोकली ट्रेडेड चीज़ें यही हुआ करती थी, इंडिगो या फिर कॉटन हुआ करता था. ये सारी चीज़ें मैन्युफैक्चरिंग सेंटर्स तक भेजी जाती थी. द ट्रेडर्स फॉर्मड गिल्ड्स टू प्रोटेक्ट एंड प्रमोट देयर इंटरेस्ट. तो जो ट्रेडर्स थे उन्होंने गिल्ड्स बना लिए थे, ग्रुप्स बना लिए थे, ताकि अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सके और अपनी चीज़ें प्रमोट कर सके. मनीग्रामम एंड नाना देसी ऑफ साउथ इंडिया वर टू फेमस गिल्ड्स. दो फेमस गिल्ड्स के नाम यहाँ पर मेंशन है, मनीग्रामम एंड नाना देसी. ये साउथ इंडिया की काफ़ी फेमस गिल्ड्स रही हैं. पीपल फ्रॉम ऑल कास्ट एंड रिलीजन्स ज्वाइंड द ट्रेडिंग प्रोफेशन. अलग अलग कास्ट, सभी कास्ट के लोगों ने ट्रेडिंग प्रोफेशन को ज्वाइन किया. सम ऑफ द मेन ट्रेडिंग ग्रुप्स एट दैट टाइम पर द हिंदू बनियास, जैन्स एंड मुस्लिम्स. तो जो फेमस ये जो मेन ट्रेडिंग ग्रुप्स रहे हैं वो थे हिंदू बनियास, जैन्स एंड मुस्लिम्स. मुस्लिम मर्चेंट्स ऑफ द मालाबार रीजन, अरब्स, अफगान्स, मुल्तानीज, खत्री एंड द ग्रेन मर्चेंट्स. तो ये इम्पोर्टेंट ग्रुप्स रहे हैं ट्रेडिंग के. वेल नोन ट्रेडर्स ऑफ दिस पीरियड वर वीरजी वोरा एंड अब्दुल गफूर. तो जो वेल नोन ट्रेडर्स हुआ करते थे इस टाइम के वो थे वीरजी वोरा, यहाँ पर मेंशन है वीरजी वोरा एंड अब्दुल गफूर. दे वर वेरी रिच ट्रेडर्स एंड दे ओन लार्ज फ्लीट्स ऑफ शिप. मलया चेट्टी वॉज अनदर रिच एंड पावरफुल ट्रेडर. मलया चेट्टी भी एक इम्पॉर्टेंट और पावरफुल ट्रेडर रहा है अपने समय का. फॉरन ट्रेड की बात की जाए तो फॉरन ट्रेड के टॉपिक में ये मैंशन है that the Indian traders traded extensively with the port towns of the Red Sea, Persian Gulf, East Africa, South Asia, Southeast Asia and China. तो इन सभी जगहों पर Indian traders extensively काफ़ी ज़्यादा trade करते थे. Spices और textiles were the most traded items. Most traded items कौन से हुआ करते थे? Spices and textiles. Spices और textiles के अलावा जो items export किए जाते थे they were rice and precious stones. तो rice और precious stones या इंडिया में काफ़ी ज़्यादा अवेलेबल हुआ करते थे, दैट इज़ वाई इसको एक्सपोर्ट किया जाता था, राइस और प्रीशियस स्टोन्स को. मेटल्स सच एज सिल्वर एंड टिन फ्रॉम साउथ एशिया एंड गुड क्वालिटी हॉर्सेज फ्रॉम पर्शिया वर सम ऑफ द मेन इम्पोर्ट्स टू इंडिया. अब इंडिया में जो मेनली इम्पोर्ट हुआ करता था वो था मेटल्स, जैसे कि सिल्वर एंड टिन फ्रॉम साउथ ईस्ट एशिया एंड गुड क्वालिटी हॉर्सेज फ्रॉम पर्शिया. ये सारे इम्पोर्ट हुआ करते थे इंडिया में. द टाउन्स ऑन द वेस्ट कोस्ट वर द होम टू अरब. वेस्ट कोस्ट पे जो टाउन्स हुआ करते थे वो अरब पीपल का होम हुआ करता था. चाइनीज, ज्यूइश, सीरियन, क्रिश्चियन ट्रेडर्स, ये सारे जो ट्रेडर्स हुआ करते थे वो वेस्ट कोस्ट के टाउन्स में रहा करते थे. इंडियन स्पाइसेज एंड टेक्सटाइल्स सोल्ड इन द रेड सी पोर्ट्स वर टेकन बाय इटालियन ट्रेडर्स टू यूरोपियन मार्केट्स. अब जो इंडिया की स्पाइसेस और टेक्सटाइल हुआ करते थे वो रेड सी के पोर्ट से ले जाया करते थे, इटालियन ट्रेडर्स लेके जाते थे उन्हें यूरोपियन मार्केट्स तक.
क्योंकि वहां पर इनको हाई प्रॉफिट्स मिलता था इन सभी चीजों में, क्योंकि इंडिया के स्पाइसेस और टेक्सटाइल काफी ज्यादा रिच होते थे क्वालिटी में, दैट इज वाई इस चीज का काफी अच्छा प्राइस मिलता था उनको। दस देयर वॉज अ लॉट ऑफ लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड, तो इंडिया में इसी वजह से कई सारी लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड हुआ करती थी। बिल्स ऑफ एक्सचेंज कॉल्ड हुंडीज वर वेरी यूजफुल। अब ये हुंडीज, ये एक इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है इस चैप्टर में, हुंडी क्या होती थी, बिल्स ऑफ एक्सचेंज हुआ करते थे विच आर वेरी यूजफुल इन लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेडिंग। हुंडी एक नोट हुआ करता था जिसमें डिपॉजिट के बारे में मेंशन होता था कि एक मर्चेंट ने क्या कितने अमाउंट डिपॉजिट किया है, उस डिपॉजिटेड अमाउंट को कहीं भी दूसरी प्लेस पे जाके क्लेम किया जा सकता था, लिया जा सकता था। जिस भी पर्सन के पास हुंडी है वो अपनी हुंडी, मतलब एक नोट हुआ करता था जिसमें ये सारा मेंशन हुआ करता था कि उस पर्सन ने कितना अमाउंट डिपॉजिट कराया है, और दूसरी जगह पर जाकर वो उस पैसे को विड्रॉ कर सकता था किसी दूसरे पर्सन से। जस्ट लाइक बैंक डिपॉजिट, आज के समय पे ऐसा होता है कि हमने कोटा में बैंक में 10,000 रुपीज डिपॉजिट कराया है, तो हम जयपुर जाके भी वो 10,000 रुपीज निकाल सकते हैं हमारे अकाउंट से। तो हुंडी भी कुछ इसी तरह की चीज हुआ करती थी, बट उसमें ये होता था कि एक जगह पे वो पैसे डिपॉजिट करा दिया करते थे और उसकी रिसीप्ट ले लेते थे। वो रिसीट क्या कहलाती थी, वो रिसीट ही हुंडी कहलाती थी, ठीक है। उस पर ये मेंशन होता था कि कितना अमाउंट डिपॉजिट किया गया है, ताकि वो पर्सन दूसरी जगह पे जाके वो अमाउंट विड्रॉ कर सके उस हुंडी को शो करके, ठीक है। तो ये हुंडी उस टाइम पे काफी फेमस चीज थी। आफ्टर रीचिंग द डेस्टिनेशन ट्रेडर्स एंड मर्चेंट्स वुड रिसीव देयर मनी ऑन शोइंग द हुंडीज, ठीक है। तो ये हुंडी दिखाकर वो अपनी जो डिपॉजिटेड मनी है वो ले सकते थे। इसका फायदा ये होता था कि उनको वो मनी कैरी नहीं करनी पड़ती थी, ठीक है। तो आर्टिसन एंड क्राफ्ट्समैन के बारे में अब हम पढ़ते हैं। तो दो तरह के आर्टिसन और क्राफ्ट्समैन हुआ करते थे। वन वर द रूरल आर्टिसन, रूरल आर्टिसन हु वर ओनली वर्क पार्ट टाइम इन प्रोफेशन लाइक ऑयल प्रेसिंग, इंडिगो कल्टिवेशन, शुगर मैन्युफैक्चरिंग एंड अदर्स, ठीक है। तो एक तो होते थे रूरल आर्टिसन जो कि पार्ट टाइम काम करते थे कई सारे प्रोफेशंस में, जैसे कि ऑयल प्रेसिंग, इंडिगो कल्टीवेशन, शुगर मैन्युफैक्चरिंग, और दूसरे हुआ करते थे प्रोफेशनल आर्टिसन जैसे कि स्कल्प्टर्स, बीवर्स। ये खुद का काम खुद ही करते थे, इनका स्पेसिफिक खुद का प्रोफेशन हुआ करता था, ये प्रोफेशनल आर्टिसन कहलाते थे। और एक होते थे रूरल आर्टिसन जो दूसरों के काम में, दूसरों के प्रोफेशन में उनको हेल्प करके मनी कलेक्ट करते थे, मनी पाते थे। As trade and commerce grew, merchants gradually began to control this second category of artisans. अब जैसे ही trade और commerce बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी, तो ये जो professional artisans थे, ये काफी ज़्यादा increase होने लगे। कई सारे artisans उभर के आए जो अपना अलग अलग तरह का specific और specialized work perform करते थे। There was an increase in demand for goods like textiles, which led to an expansion in the crafts of spinning, weaving and dyeing. तो textiles की काफी ज्यादा डिमांड आने लगी और उसी की वजह से spinning, weaving और dyeing का जो काम था वो भी इंक्रीज होने लगा। ज्यादा से ज्यादा लोग इसको, इस प्रोफेशन को अपनाने लगे। कई सारे आर्टिसन्स और क्राफ्टमैन तो ऐसे थे who were also employed in the construction of royal buildings and palaces of worship. तो royal buildings और जो temples या mosque हुआ करते थे, worship पूजा करने की जगह हुआ करती थी, उनके उनके कंस्ट्रक्शन में कई सारे आर्टिसंस और क्राफ्ट्समैन एम्प्लॉयड थे। कारखाना जो होते थे वो वर्कशॉप कहा जाता है, अभी भी ये वर्ड यूज किया जाता है कारखाना। दे वर सेट अप बाय वेरियस रूलर्स फॉर अ नंबर ऑफ क्राफ्ट्स। कई सारे रूलर्स ने कारखाना जो कि वर्कशॉप कहा जाता है उसको सेटअप किया कई सारे क्राफ्ट्स के लिए। दे प्रोड्यूस गुड्स ओनली फॉर द किंग एंड द रॉयल हाउसहोल्ड। अब जो ये कारखाना किंग सेटल करते थे, एस्टेब्लिश करते थे, उन कारखाना में रूरल जो रूलर हुआ करते थे, रॉयल फैमिली और किंग्स हुआ करते थे, उन्हीं के लिए चीजें बनाई जाती थी। सम कम्युनिटीज ऑफ आर्टिसंस एंड क्राफ्ट्समैन ऑफ मिडिवल इंडिया ग्रू क्वाइट प्रॉस्पेरस। अब आर्टिसंस और क्राफ्ट्समैन की कुछ कम्युनिटीज काफी ज्यादा प्रॉस्पेरस हुई, जैसे कि सलियार्स और द काइकोलर्स। सलियार्स या फिर काइकोलर कहा गया है कम्युनिटी को। ये वीवर कम्युनिटी थी वो ग्रू प्रॉस्पेरस एंड मेड डोनेशंस टू द टेंपल्स। ये कम्युनिटी काफी प्रॉस्पेरस थी और उन्होंने टेंपल्स में डोनेशन दिए। नेक्स्ट कम्युनिटी थी पांचाल्स और द विश्वकर्मा कम्युनिटी। पांचाल और विश्वकर्मा कम्युनिटी थी, इसमें लोग हुआ कौन कौन से लोग, प्रोफेशन के लोग होते थे, गोल्ड स्मिथ्स, ब्रॉन्ज स्मिथ्स, ब्लैक स्मिथ्स, मेसन्स एंड कारपेंटर्स।
ये इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते थे इन बिल्डिंग टेम्पल्स। ये सारे प्रोफेशनल पीपल टेम्पल बिल्डिंग में काफी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते थे। दे वर ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ पैलेसेस, बिग बिल्डिंग्स, टैंक्स एंड रिजर्वर्स। तो ये पैलेसेस, बिग बिल्डिंग्स, टैंक्स और रिजर्वर्स भी बनाया करते थे। दिस वॉज ऑल अबाउट द चैप्टर। अब हम पढ़ने जा रहे हैं केस स्टडी। ये तो जो क्राफ्ट्समैन और आर्टिसंस ट्रेडर्स के बारे में हमने पढ़ लिया है, इस किस किस तरह के लोग क्या क्या प्रोफेशन में इन्वॉल्व थे और किस प्रोफेशन में ज्यादा बेनिफिट था, ये सारी चीजें हमने इस चैप्टर में पढ़ ली। अब हम पढ़ने जा रहे हैं केस स्टडी विच इज ऑन हम्पी। फर्स्ट इज हम्पी। तो हम्पी वॉज द कैपिटल ऑफ द किंगडम ऑफ विजयनगर। विजयनगर का कैपिटल था हम्पी, विच मीन्स सिटी ऑफ विक्ट्री। विजयनगर का नाम, विजयनगर जो है उसका मतलब है सिटी ऑफ विक्ट्री। विजयनगर एम्पायर वॉज फाउंडेड इन 1336। 1336 में फाउंडेशन हुआ विजयनगर का बाय टू ब्रदर्स हरिहर एंड बुक्का। हरिहरा एंड बुक्का ने फाउंडेशन की विजयनगर की। इट वॉज फाउंडेड व्हेन मोहम्मद बिन तुगलक लॉस्ट कंट्रोल ओवर द सदर्न रीजन्स। जब मोहम्मद बिन तुगलक का कंट्रोल खत्म हो गया सदर्न रीजन से, तब विजयनगर की स्थापना हुई। हम्पी वॉज वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड मोस्ट पावरफुल किंगडम्स ऑफ साउथ इंडिया ड्यूरिंग दैट टाइम ऑफ 1336 टिल 1565। तो इस दौरान हम्पी सबसे ज्यादा लार्जेस्ट और मोस्ट पावरफुल किंगडम रहा साउथ इंडिया का। इट रीच्ड इट्स जेनिथ ड्यूरिंग द रेन ऑफ कृष्णदेव राय। इसकी जो पीक टाइम था वो कृष्णदेव राय के टाइम पे था। हम्पी इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर तुंगभद्र इन कर्नाटका। कर्नाटका में एक रिवर है तुंगभद्र, उसके किनारे पे सिचुएटेड है हम्पी। अब हम्पी को ही कैपिटल सिटी क्यों बनाया, इसका कारण ये था कि यहाँ पर नेचुरल बैरियर्स प्रेजेंट हैं ऑल अराउंड। इट इज बाउंड बाय द रिवर ऑन वन साइड। एक साइड पे इसमें रिवर है और क्लिफ्स हैं, और दूसरी साइड पे, एक साइड तो रिवर है और बाकी तीन साइड पे इसमें क्लिफ्स है। दैट इज वाई इसको सेंटर टाउन की वजह, सेंटर होने की वजह से और काफी ज्यादा सेफ होने की वजह से इसे चूज किया गया एज द कैपिटल सिटी। द मैग्निफिसेंट रुइंस रिवील दैट इट वाज अ वेल फोर्टिफाइड सिटी। अब इसके जो बचे कुचे अवशेष मिलते हैं हमको, इससे हमें ये पता चलता है कि ये काफी फोर्टिफाइड सिटी थी, मतलब काफी बड़े अच्छे अच्छे सुंदर फोर्ट हुआ करते थे यहाँ पर। एन इंटरेस्टिंग फैक्ट इज दैट नो सीमेंट और मोर्टार वॉज यूज। अब इस जगह के बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि यहाँ पर सीमेंट या मोर्टार यूज नहीं किया गया है कंस्ट्रक्शन के लिए। वॉल्स बनाने के लिए सीमेंट या मोर्टार को यूज नहीं किया गया है। यहाँ पर वेजिंग टेक्निक यूज की गई है। वेजिंग मतलब उन्हें इंटरलॉक किया गया है रॉक्स को, ताकि कोई भी एक कंस्ट्रक्शन बनाया जा सके। द रुइंस ऑफ द एम्पायर शो दैट इट वॉज क्वाइट डिस्टिंक्टिव। जो इसके बचे कुछ अवशेष हमें मिलते हैं उससे हमें पता चलता है कि ये काफी अलग हटके जगह थी, और यहाँ पर ये इसकी स्पेशलिटी थी कि यहाँ पर सीमेंट या मोर्टार यूज नहीं किया हुआ है। द पैलेसेस हैड स्प्लेंडेड आर्क्स, डोम्स एंड पिलर्ड हॉल्स। यहाँ के जो पैलेस हैं वहाँ पर काफी ज्यादा अच्छी आर्क्स हुआ करती थी, मतलब जो अगर आप किसी पैलेस में गए हो तो वहाँ का जो ऊपर डोम हुआ करता है, ऊपर जो डिजाइंस बनी होती हैं कर्व डिजाइन, जिसे आर्क्स कहा जाता है, तो वहाँ के जो डोम्स में जो डिजाइन होती है उसे आर्क्स कहते हैं। तो वहाँ पर काफी सुंदर आर्क्स हुआ करती थी, डोम्स हुआ करते थे। वहाँ के जो हॉल्स हैं उनमें काफी सारे पिलर्स अवेलेबल हैं। अभी भी हमें उसके रुइंस में वो सारी चीजें मिलती हैं देखने को। विद निशेस फॉर होल्डिंग स्कल्पचर्स। पिलर्स इसलिए बनाए गए हॉल्स में ताकि उसको स्कल्पचर्स को होल्ड किया जा सके, और स्कल्पचर जो अलग अलग डेकोरेटिव आइटम्स है उनको होल्ड करने के लिए भी कई सारे डिफरेंट अलग अच्छे अच्छे डिजाइनर पिलर्स भी बनाए गए हैं। देयर वर मेनी ब्यूटीफुल टेम्पल्स सच एज वरुपक्ष टेम्पल इन द विट्ठला स्वामी टेम्पल। तो विरुपक्ष टेम्पल और विट्ठला स्वामी टेम्पल, वहाँ पर काफी ब्यूटीफुल टेम्पल्स अभी भी प्रेजेंट हैं। इस सिटी में इरीगेशन चैनल, स्कूल्स, रोड ब्रिजेस एंड कार्व टेम्पल्स भी प्रेजेंट है। तो ये सारी चीजें उस समय पे भी प्रेजेंट थी सिटी में, दैट इज व्हाई इसको कैपिटल सिटी बनाया गया था। द किंग वाज द हेड ऑफ द स्टेट एंड वाज एडवाइज्ड बाय हिज मिनिस्टर्स। किंग जो हुआ करता था वो हेड ऑफ स्टेट हुआ करता था, और उनके कोर्ट में काफी सारे मिनिस्टर्स होते थे जो कि उनको एडवाइस करते थे अलग अलग डिसीजंस लेने में। किंगडम वाज डिवाइडेड इनटू प्रोविंसेस। अब वहां का एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह से था, तो किंगडम को डिफरेंट प्रोविंसेस में डिवाइड किया हुआ था।
इज रिप्लेस्ड इन द हैंड्स ऑफ रॉयल प्रिंसेस, और प्रोविंसेस को हैंडल करते थे रॉयल प्रिंसेस. द गवर्नर्स ऑफ द प्रोविंसेस कलेक्टेड टैक्सेस फॉर द किंग. यहाँ पर जो टैक्स कलेक्शन का काम था वो कौन करते थे? गवर्नर करते थे. जो किंग थे उन्होंने टेरिटरी दे रखी थी टू द मिलिट्री चीफ्स, मिलिट्री चीफ्स को टेरिटरी प्रोवाइडेड थी ताकि वो अपने सोल्जर्स को प्रैक्टिस करवा सके फॉर द अपकमिंग वॉर्स. द किंग हैड अ लार्ज आर्मी, किंग की बहुत बड़ी आर्मी थी, और वहाँ पर मिलिट्री स्कूल हुआ करते थे ताकि सोल्जर्स को ट्रेन किया जा सके. ज़्यादातर लोग विलेजेस में रहा करते थे. जो आइटम्स वहाँ पर कल्टिवेट किए जाते थे दोस्त पर फूड ग्रेन्स, पल्सेस, जिंजर फ्रूट्स एंड अरेका नट्स. हम्पी एक बहुत इंपॉर्टेंट सेंटर था फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कॉटन एंड स्पाइस ट्रेड. कॉटन और स्पाइस ट्रेड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेंटर रहा है हम्पी. 15th एंड 16th सेंचुरी में हम्पी में कई सारे ट्रेडर्स आया करते थे बोथ फ्रॉम फार एंड नियर. स्ट्रॉन्ग इट्स मार्केट्स टू बाय एंड सेल गुड्स. हम्पी के मार्केट में कई सारे ट्रेडर्स आया करते थे ताकि गुड्स को बाय या सेल कर सके. मूर्स, अ नेम यूज्ड कलेक्टिवली फॉर मुस्लिम मर्चेंट्स. मुस्लिम मर्चेंट हुआ करते थे मूर्स नाम के. 33, एंड एजेंट्स ऑफ यूरोपियन पावर्स सच एज पोर्चुगीज फ्रीक्वेंटेड द मार्केट्स ऑफ हम्पी. अब जो मेजर ट्रेडर्स आया करते थे हम्पी में वो कौन कौन से थे? मूर्स, 33 एंड एजेंट्स ऑफ यूरोपियन पावर्स. तो ये सारे लोग सच एज पोर्चुगीज एजेंट्स ऑफ यूरोपियन पावर्स, जैसे कि यूरोपियन जो पीपल होते थे वो पोर्चुगीज हुआ करते थे, वो यूरोपियन हुआ करते थे. तो यूरोपियन पीपल 36 एंड मूर्स, ये सारे लोग हम्पी के मार्केट में आते थे ट्रेडिंग करने के लिए. सम ऑफ द फॉरेन ट्रेवलर्स हु विजिटेड द किंगडम ऑफ विजयनगर वर द पर्शियन ट्रेवल अब्दुल रजाक, पोर्चुगीज ट्रेवलर्स डोमिंगो पेस एंड फर्नाओ नूनेस, एंड द इटालियन ट्रेवलर निकोलो कॉन्टी. तो इम्पोर्टेंट जो ट्रैवलर्स यहाँ पर आ चुके हैं वो है अब्दुल रजाक हु बिलोंग टू पर्शिया, डोमिंगो पेस एंड फर्नाओ नूनेस जो कि इटालियन ट्रैवलर्स थे, एंड निकोलो पोर्चुगीज ट्रैवलर्स थे डोमिंगो पेस एंड फर्नाओ नूनेस, और इटालियन ट्रैवलर है निकोलो कॉन्टी. तो ये सारे ट्रैवलर्स हम्पी में आ चुके हैं. They have left behind accounts of the magnificence of the kingdom. और इन ट्रैवलर्स ने हम्पी के बारे में काफ़ी अच्छी अच्छी बातें लिखी है, and those are known as accounts. ठीक है. तो more importance of Hampi declined after the battle of Talikota. ये एक important paragraph है, ये आप सभी को बड़ा ध्यान से सुनना है. तो battle of Talikota हुआ था in the year 1565, जिसमें विजयनगर was defeated by the combined forces of Deccanese Sultan ऑफ गोलकोंडा, अहमदनगर, बीजापुर, बरार एंड बिदार. तो यहाँ के सुल्तान्स ने अटैक किया हम्पी पे, और इस जगह में इस बैटल में, बैटल ऑफ तालीकोटा में विजयनगर डिफीट किया गया, और इसके बाद इम्पोर्टेंस ऑफ हम्पी डिक्लाइंड. ओके, नेक्स्ट कम्स सूरत. सूरत इज इन गुजरात एंड इट इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर ताप्ती. ताप्ती रिवर के बैंक्स पे सिचुएटेड है सूरत. इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मुगल ट्रेडिंग पोर्ट. जो सूरत में जो सूरत है वो काफी इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग पोर्ट रहा है मुगल एरा के दौरान. इट वाज फर्टाइल इनफ टू प्रोड्यूस रिसोर्सेज नीडेड फॉर मेकिंग एक्सपोर्टेबल गुड्स. अब एक्सपोर्टेबल गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए जो भी रिसोर्सेज चाहिए उसको उसके प्रोडक्शन के लिए काफी फर्टाइल जगह थे, क्योंकि रिवर के बैंक पे थी तो ऑब्वियसली जो वहाँ का लैंड होगा वो फर्टाइल होगा. मुगल पीरियड के दौरान ये मेन सेंटर और सेंटर हुआ करता था ऑफ गेटवे ऑफ ट्रेड हुआ करता था विद द वेस्ट. वेस्ट के साथ जितनी भी ट्रेड हुआ करती थी वो सूरत के थ्रू होती थी. अकॉर्डिंग टू एन इंग्लिश राइटर ऑफ द 17th सेंचुरी सम 100 शिप्स ऑफ डिफरेंट कंट्रीज कुड बी फाउंड एंकर्ड एट द पोर्ट ऑफ सूरत एट एनी टाइम. एक फेमस इंग्लिश राइटर ने ये चीज लिखी है, ये देखो इटैलिक्स में आपकी बुक में मेंशन है ये चीज, कि उस समय पे 17th सेंचुरी के दौरान कहा जाता है कि 100 से भी ज्यादा शिप्स वहां पर खड़े होते थे सूरत के पोर्ट पे. बीइंग सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर लेड टू द राइज टू अ लार्ज मर्चेंट कम्युनिटी. अब क्योंकि ये रिवर के बैंक्स पे था इसी वजह से यहाँ पर मर्चेंट कम्युनिटी काफी ज्यादा पाई जाती है. एज सूरत वॉज ऑल्सो प्लेस फ्रॉम वेयर पिलग्रिम्स लेफ्ट फॉर मक्का इट गेन्ड रिलीजियस सिग्निफिकेंस. अब क्योंकि सूरत एक ऐसी जगह है जहां पर मक्का जाने, मक्का मदीना
इस्लामिक रिलीजन को फॉलो करने वाले लोगों का एक पिलग्रिमेज सेंटर है, दैट इज वाई मक्का जाने वाले लोगों के लिए एक स्टॉपेज पॉइंट रहता था सूरत, यहाँ से लोग मक्का जाते थे, दैट इज वाई इसको इसके पास जो सूरत है वो रिलीजियस सिग्निफिकेंस भी रखता है। सूरत एक इम्पोर्टेंट सेंटर था फॉर मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपोर्ट ऑफ टेक्सटाइल, टेक्सटाइल की मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट के लिए सूरत एक इम्पोर्टेंट सेंटर रहा है। सूरत टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर्स जो थे वो फेमस थे फॉर देयर गोल्ड लेस बॉर्डर। सूरत के जो टेक्सटाइल वर्कर थे वो किसके लिए फेमस थे? गोल्ड लेस बॉर्डर वर्क, जिसको कहा जाता है जरी, गोल्ड लेस बॉर्डर वर्क को कहा जाता है जरी, उसके लिए सूरत टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर्स काफी ज्यादा फेमस थे। इट वॉज इन डिमांड इन वेस्ट एशिया, अफ्रीका एंड यूरोप, इन सभी जगहों पर सूरत टेक्सटाइल की काफी ज्यादा डिमांड थी जरी वर्क की। मर्चेंट्स और जो ट्रेडर्स हुआ करते थे, दे ऑल्सो एक्सपोर्टेड इंडिगो, शुगर एंड मेनी अदर गुड्स। जो वहाँ के मर्चेंट्स थे वो इंडिगो, शुगर और काफी सारे दूसरे प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करते थे, बाहर सेल करते थे। काठियावाड़ सेठ और महाजन्स हैड ह्यूज बैंकिंग हाउसेज एट सूरत। जो काठियावाड़ सेठ हुआ करते थे, सेठ मतलब जो मनी जिनके पास होती थी उन लोगों को सेठ कहा जाता था। नीचे अगर आप देखें तो डेफिनेशन दी है वेल्दी मर्चेंट्स और फाइनेंसियर्स, तो जो वेल्दी मर्चेंट्स और फाइनेंसियर्स होते हैं उन्हें सेठ कहा जाता था इन हिंदी लैंग्वेज, दैट इज वाई जो काठियावाड़ सेठ और महाजन्स होते थे, महाजन्स वर मनी चेंजर्स, दे हैड ह्यूज बैंकिंग हाउसेज एट सूरत एंड द हुंडीज ऑफ सूरत वर ऑनर्ड इवन इन डिस्टेंट प्लेसेस। जो सूरत की हुंडी हुआ करती थी वो दूसरे दूर दराज की जगहों पर भी ऑनर्ड की जाती थी, उसको यूज उसको अलाउंस दी जाती थी, सच एज कायरो इन इजिप्ट, बसरा इन इराक एंड एंटवर्प इन बेल्जियम। इवन इतनी दूर दूर जगहों पर भी वहाँ की हुंडीज को इम्पोर्टेंस दी जाती थी और लोग मनी को एक्सचेंज कर सकते थे। दिस पोर्चुगीज, द डच, द ब्रिटिश एंड द फ्रेंच हैड देयर ट्रेडिंग पोस्ट इन सूरत, दैट इज वाई पोर्चुगीज, डच, ब्रिटिश और फ्रेंच के ट्रेडिंग पोस्ट सूरत में भी हुआ करते थे। दे फेस स्टिफ कॉम्पिटिशन फ्रॉम द सूरत ट्रेडर्स, और इन लोगों को काफी तगड़ा कॉम्पिटिशन झेलना पड़ता था सूरत ट्रेडर्स से। सूरत एंजॉयड ग्रेट प्रॉस्पेरिटी बट इट्स डिक्लाइन बिगेन टुवर्ड्स द एंड ऑफ 17th सेंचुरी। अब सूरत जो था वहाँ के लोगों ने कई काफी प्रॉस्पेरिटी देखी, बट 17th सेंचुरी के एंड तक यहाँ पर थोड़ा डिक्लाइन आने लगा। इसको कहा गया है लॉस ऑफ सिक्योरिटी मार्केट्स एंड प्रोडक्टिविटी। इसको लॉस ऑफ सिक्योरिटी मार्केट्स एंड प्रोडक्टिविटी कहा गया है क्योंकि यहाँ पर डिक्लाइन हो गया मुगल एम्पायर का। मुगल एम्पायर डिक्लाइन होने के साथ ही सूरत में काफी ज्यादा डिक्लिनेशन देखने को मिला, काफी ज्यादा घाटा वहाँ के लोगों को देखने को मिला। उस समय सूरत पे अटैक किया मराठास ने इन 1723, और इसी की वजह से वहाँ की जो सिचुएशन थी वो और ज्यादा खराब होने लगी। जो इंग्लिश और डच थे उन्होंने ट्रेड को कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिया। अब उसी के साथ जो अब मेन पोर्ट था वो सूरत से शिफ्ट होकर बॉम्बे चला गया। अब बॉम्बे को चीफ या मेन पोर्ट बना दिया गया ओवरसीज ट्रेड के लिए। उससे पहले सूरत से सारी ट्रेड हो रही थी, जितनी भी फॉरेन ट्रेड हो रही थी वो सूरत से हो रही थी, बट ब्रिटिश गवर्नमेंट ने फिर बॉम्बे को ट्रेडिंग मेन ट्रेडिंग सेंटर बना दिया। सो द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी सेट अप देयर हेडक्वार्टर्स इन बॉम्बे इन 1668, और दैट इज वाई जो सूरत की इम्पोर्टेंस थी वो डिक्लाइन हो गई। नेक्स्ट कम्स मसूलीपट्टनम, द टाउन ऑफ मसूलीपट्टनम और मछिलीपट्टनम। मसूलीपट्टनम का ओरिजिनल नाम रहा है मछिलीपट्टनम, और इस वर्ड से आपको समझ आ सकता है कि इसका नाम मसूलीपट्टनम क्यों रखा है, क्योंकि यहाँ पर फिश पोर्ट टाउन था ये, मतलब यहाँ पर फिशेस का व्यापार हुआ करता था, फिशेस की ट्रेडिंग होती थी, दैट इज वाई इट इज नोन एज मसूलीपट्टनम। इट इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर कृष्णा। कौन सी रिवर के बैंक पे? कृष्णा। आपको पता होना चाहिए कौन सा टाउन कौन सी रिवर के बैंक पे सिचुएटेड है। फॉर एग्जाम्पल सूरत कौन सी रिवर के बैंक पे है? ताप्ती। ठीक है, यहाँ पर मेंशन है सूरत ताप्ती रिवर के बैंक पे है। मसूलीपट्टनम कौन सी रिवर के बैंक पे है? कृष्णा रिवर के बैंक पे है, जो कि आंध्र प्रदेश में है। इट ड्रॉज इट्स नेम फ्रॉम द गेटवे टू द टाउन व्हिच वाज डेकोरेटेड विद द आईज ऑफ फिश मछली। ये इसका नाम मसूलीपट्टनम इसलिए पड़ा क्योंकि इसका जो गेटवे हुआ करता था एंट्रेंस गेटवे, उसको फिश आईज से डेकोरेट किया हुआ था, दैट इज वाई इट इज नोन एज मसूलीपट्टनम। इट वॉज अ सेंटर ऑफ इमेंस एक्टिविटी इन 17th सेंचुरी एज अ रिजल्ट ऑफ द ट्रेडिंग एक्टिविटीज ऑफ डच, फ्रेंच एंड ब्रिटिश ट्रेडिंग कंपनीज, क्योंकि ब्रिटिश, फ्रेंच और डच ट्रेडिंग कंपनीज की मेजर एक्टिविटीज की वजह से ये जगह काफी फेमस हुई।
मसूलीपट्टनम गोलकोंडा एम्पायर का पार्ट था और गोलकोंडा एम्पायर का मेन पोर्ट भी मसूलीपट्टनम ही रहा है। हियर गोलकोंडा एम्पायर का मेन पोर्ट मसूलीपट्टनम ही रहा है। इरानियंस जो थे, ईरान के जो लोग थे, दे हु हैड इमिग्रेटेड टू गोलकोंडा इन्वेस्टेड अ लॉट इन शिप बिल्डिंग एंड मैरीटाइम ट्रेड। तो जो ईरान के जो लोग थे जो इमिग्रेट होकर गोलकोंडा आ चुके थे, उन्होंने काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट करा है यहाँ पर शिप बिल्डिंग में और मैरीटाइम ट्रेड में। लार्ज सेटलमेंट ऑफ वीवर्स, डायर्स, क्लॉथ पेंटर्स एंड क्लॉथ पेंटर्स ग्रू अप अराउंड मसूलीपट्टनम। तो जो काफी सारे वीवर्स, डायर्स और क्लॉथ पेंटर्स थे, इनका ग्रुप काफी ज्यादा फ्लोरिश हुआ मसूलीपट्टनम के अराउंड। सिटी का जो मसूलीपट्टनम था, उसका फेम यूरोप में भी पहुंचा हुआ था एंड इट वॉज लार्जली फेमस इन यूरोप ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ डाइड कॉटन क्लॉथ नोन एज चिंट्स। ये अच्छे से पता होना चाहिए आपको कि मसूलीपट्टनम की स्पेशलिटी क्या है, डाइड कॉटन क्लॉथ। डाइड कॉटन क्लॉथ जिसको बोला जाता है चिंट्स। द कलमकारी क्लॉथ वॉज अनदर इम्पोर्टेंट टेक्सटाइल। तो फर्स्ट इम्पोर्टेंट टेक्सटाइल क्या है, डाइड कॉटन क्लॉथ जिसको बोला जाता है चिंट्स। सेकेंड है कलमकारी क्लॉथ जिस विच इट वॉज ऑल्सो अनदर इम्पोर्टेंट टेक्सटाइल प्रोड्यूस्ड हियर। कलमकारी पेंटिंग मसूलीपट्टनम की स्पेशलिटी है, नाम याद होना चाहिए। मसूलीपट्टनम की स्पेशलिटी क्या है, कलमकारी पेंटिंग। एंड इट वॉज इनकरेज बाय द रूलर्स एंड इट डेवलप सो वेल दैट इट इज फेमस इवन टूडे। वो इतनी ज्यादा डेवलप हो गई कि वो अभी तक फेमस है। अब कलमकारी का नाम कलमकारी क्यों है, तो इससे इसका अगर हम सेग्रीगेशन करें पूरे नाम का, तो कलम मीन्स पेन, कलम का मतलब है पेन और कारी मीन्स वर्क। तो कलम से की गया हुआ वर्क इज नोन एज कलमकारी वर्क। कलमकारी रेफर्स टू द टेक्निक ऑफ पेंटिंग विद नेचुरल एंड वेजिटेबल डाइज ऑन टू कॉटन और सिल्क क्लॉथ विद अ बेम्बू पेन। तो कलमकारी में क्या होता है, बेम्बू पेन को यूज करके कॉटन या सिल्क के क्लॉथ पे नेचुरल डाई को यूज करते हुए डिजाइन बनाई जाती है, पेंटिंग्स की जाती है और इसे को बोला जाता है कलमकारी वर्क। तो जो गोलकोंडा की माइंस हुआ करती थी, वहां पर वर्ल्ड के लार्जेस्ट डायमंड्स प्रोड्यूस हुआ करते थे। एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि गोलकोंडा की माइंस में दुनिया भर के सबसे बड़े डायमंड्स और रूबीज पाए जाते थे और इन्हीं के ट्रेड की वजह से जो मसूलीपट्टनम थी वो काफी रिच सिटी बनती जा रही थी। कुतुब शाही रूलर्स जो थे गोलकोंडा के, दे इम्पोज रॉयल मोनोपोलीज ऑन द सेल ऑफ टेक्सटाइल्स। जो कुतुब शाही रूलर्स थे उन्होंने रॉयल मोनोपोलीज लगा दी, मतलब एक्सक्लूसिव पोजीशन और कंट्रोल ऑफ द सप्लाई ऑफ और ट्रेड इन अ कम्युनिटी ऑफ सर्विस। तो पोजीशन उन्होंने खुद का लगा दिया उस चीज पे जो सेल हो रही थी टेक्सटाइल्स और स्पाइसेस की, और जितने भी आइटम्स की सेल हो रही थी उनको रोकने के लिए उन्होंने क्या करा, मोनोपोली इनिशिएट कर दी टू स्टॉप द ट्रेड फ्रॉम पासिंग इन टू द हैंड्स ऑफ द वेरियस ईस्ट इंडिया कंपनी। अब ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में सारा पैसा ना जाए, इसलिए उन्होंने मोनोपोली इनिशिएट कर दी। दिस लेड टू कॉम्पिटिशन अमंग द वेरियस ट्रेडिंग ग्रुप्स विच इंक्लूडेड गोलकोंडा नोबल्स। अब ऐसा करने से क्या हुआ, कई सारे ट्रेडिंग ग्रुप्स के बीच में कॉम्पिटिशन इनिशिएट हो गया, जैसे कि गोलकोंडा नोबल्स, यूरोपियन ट्रेडर्स, द पर्शियन मर्चेंट्स एंड द तेलुगु चेतीज। इन सभी के बीच में कॉम्पिटिशन इनिशिएट हो गया। जो मुगल रिप्रेजेंटेटिव थे गोलकोंडा के, मीर जुमला Who was a merchant? उन्होंने ट्राई किया टू प्ले ऑफ द डच एंड द इंग्लिश अगेंस्ट ईच अदर। उन्होंने कोशिश करी कि डच और इंग्लिश एक दूसरे से लड़ जाए। गोलकोंडा वॉज एनेक्स्ड बाय औरंगजेब अराउंड 1686 टू 1687। 1686 और 1687 के बीच में गोलकोंडा को औरंगजेब ने एनेक्स कर लिया, उसको हासिल कर लिया। मसूलीपट्टनम सीम्स टू हैव लॉस्ट इट्स इम्पोर्टेंस विद द एमर्जेंस ऑफ बॉम्बे, कैलकटा एंड मद्रास एज मेजर ट्रेडिंग पोस्ट ऑफ द यूरोपियन पावर। जैसे ही बॉम्बे, कैलकटा और मद्रास मेजर ट्रेडिंग पोस्ट बने यूरोपियन पावर्स के, वैसे ही मसूलीपट्टनम की जो इम्पोर्टेंस थी वो खत्म हो गई और मसूलीपट्टनम की जो प्रोस्पैरिटी थी वो भी खत्म हो गई। एंड इट्स फॉर्मर पोजिशन एज ट्रेड पोस्ट एंड डिक्लाइंड इन द कोर्स ऑफ 18th century। 18th century के ड्यूरेशन में मसूलीपट्टनम की पूरी इम्पोर्टेंस खत्म हो गई। टूडे इट इज नथिंग मोर देन अ small town, it is just a small town today and nothing more than that. So that's all about this chapter. हमने पूरे चैप्टर में टाउन, डिफरेंट टाउन्स के बारे में पढ़ा, आर्टिसंस, क्राफ्ट वर्कर्स के बारे में पढ़ा और हमने पढ़ा डिफरेंट
टाउन्स के बारे में जिनके बारे में हमने डीप में केस स्टडी करी. दैट्स ऑल अबाउट दिस चैप्टर स्टूडेंट्स. थैंक यू वेरी मच एंड कीप स्टडिंग.